सो कैसे हो पब्लिक, जहाँ से पिछला वाला ब्लॉग शुरू किया था वहाँ से आज का ब्लॉग भी शुरू करते हैं। और बादल को देख के ऐसा लग रहा है कि आज बारिश गिरने की पूरी संभावना है, तो है। और आज सुबह जो बारिश गिरी ना बॉस, बहुत ही जोर से गिरी। मतलब सुबह का कुछ क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया, वो आप देख लो तो आपको समझेगा कितनी जोर से आज सुबह बारिश गिरी थी। ओके, देखो उसका रात को गिरी तगड़ी वाली बारिश, और बारिश ने देखो पूरा पॉक कर दे रहे हो। ये तभी होता है जब पूरी तगड़ी वाली बारिश गिर रही है। इतना बारिश गिरी अभी तक फॉग नहीं हो, मतलब कि आप समझ सकते हो कि कल रात को कितनी बारिश गिरी होगी। मतलब ये लिटरली पूरा फॉग हो चुका है, और तो आप लोग ने देख लिया सुबह का क्लिप की कितनी जोर से बारिश गिरी। और कल रात को गौतम के साथ मेरा कन्वर्सेशन हो रहा था, हम लोग थोड़ा बात कर रहे थे, तो मैंने उसे बोला कि मेरा जो यूट्यूब का जो बैनर है बहुत ही पुराना हो चुका था। तो वो बोलता है कि भाई टेंशन मत ले, मैं तेरा बैनर एडिट कर डालूंगा, तू मुझे सिर्फ थोड़े बहुत फोटोज सेंड कर दे। तो मैंने बोला कि मैं मेरे फोटोज नहीं सेंड करता, मैं अपने जो भी ड्राइंग्स के वो फोटो सेंड कर दो। उसने एडिट करके मुझे मेल कर दिया है फोटोज, मैं आपको बताता हूँ। नहीं, मैंने तो डायरेक्टली पोस्ट कर दिया वो बैनर मेरे चैनल पर, मैं आपको बताता हूँ। तो ये रहा यूट्यूब का बैनर, जो बैकग्राउंड में उसने मेरे जो भी टॉप ड्राइंग है उसे कोलाज बना के फ्रेम किया, और उसके बाद सामने उसने HD आर्ट का नाम लिखा। बहुत ही बढ़िया लग रहा है बैनर, तो बिग थम्स अप गौतम। पहली बात तो बैनर, लोगो, या फिर चैनल का नाम, या फिर आप कैसे वीडियो को अरेंज करो प्लेलिस्ट में, या फिर आप थंबनेल, कंटेंट, वीडियो का सब कुछ, सबका बराबर सा हिस्सा रहता है, तो का चैनल एक डिसेंट चैनल लगता है। और बाद में मैंने जो पिछला वाला ब्लॉग एंड किया, बाद में अपलोड भी करते, मतलब दोपहर को अदित्य का कॉल आता है, बोलता है कि भाई आज ब्लॉग करने का है क्या? नहीं, मैं बोला भाई मेरी फटी पड़ी है, दो दिन से सोया नहीं हूँ, क्योंकि जो गणपति वाला ड्रॉइंग एडिट किया, वीडियो बनाया है, उसमें सोया नहीं, फिर से ब्लॉग भी बना था उसी दिन, तो पूरी फी पड़ी थी, उसके सोया नहीं। तो भाई मुझे आज सोने दे, फिर कल उठ के अपन ब्लॉग करेंगे। बाद में वो मुझे शाम को मिला और बोलता है कि भाई तूने ब्लॉग में मेरे ड्रम के बारे में बताया, तो तेरे ऑडियंस को मेरा ड्रम भी दिखा दे। तो या तो अदिता का कॉल आ जाएगा, तो हम जाएंगे उसके घर पे और उसका आपको ड्रम दिखाएंगे। ऑलराइट जी, तो ड्राइंग का अपडेट देता हूँ। ड्राइंग की शुरुआत हो चुकी है, तो अभी मुझे लगता नहीं कि ये जल्दी ड्राइंग बनेगी, क्योंकि ना बहुत डिटेलिंग वाला काम है और इसे मैक्स टू मैक्स 3-4 दिन तो लगेगी इस ड्राइंग बनाने, क्योंकि ना जो स्किन है इसकी बहुत ही डिफिकल्ट है बनाना, तो इसके लिए तो टाइम लगेगा। आदित्य शायद से प्रैक्टिस कर रहा है, उसके ड्रम का आवाज आ रहा है यहाँ पे, प्रैक्टिस कर रहा था। अरे अरे ब्लॉगिंग आज भी भाई अपने 24 घंटे ब्लॉगिंग रहता ही है। आजा आजा, क्या हो रहा है? तो आदित्य बोल रहा था कि यार तेरे व्यूअर्स लोग को ड्रम दिखा, तो ये रहा आदित्य का इलेक्ट्रिक ड्रम। कौन सी कंपनी का? ये अरोमा। अरोमा, हाँ। अगर आपको ड्रम का प्रैक्टिस करना है घर पे बैठ के विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स, आराम से कर सकते हैं, मतलब कि ये जो भी प्ले कर रहे हैं उसके हेडसेट में सुनाई देगा। अगर आपको सुनना है कि ये क्या प्ले कर रहा है, तो यहाँ पे एक स्पीकर है और केबल अटैच है, तो आप सुन सकते हैं कि ये क्या प्ले कर रहा है। थोड़ा बजा, सिर्फ मैं आपको ड्रम दिखाने के लिए नहीं लाया था, अदिता का एक इंस्टाग्राम का शूट कर रहा था, वो हम अब शूट कंप्लीट करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो शूट चालू कर दे। शूट खत्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो इसके इंस्टाग्राम आईडी पे जा सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आपको आसानी होगा इसके इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाने के लिए। ये नजर आ रहा है, ये भी बहुत हिलते रहता है, मतलब कि जब आपका मोबाइल का वेट रहेगा तो ये सीधा इस तरह से नीचे आ जाता है, तो उसके कारण बहुत तकलीफ होती है कभी कभी व्लॉग करते हुए, या फिर इस तरह से एंगल रखा मुझे ठीक कराना पड़ेगा, तो इससे ना रो निकल भी गया। तो वैसे जो टेप से ना मेरे को यहाँ पर टेप भी पहले लगाया था, वो टेप अभी मतलब ये खत्म हो चुका है, तो इसके लिए मुझे फिर से टेप से रैप करना पड़ेगा, थोड़ा ग्रिप आ जाएगा, तो अगर मैं इसे अटका दूंगा तो थोड़ा टाइट हो जाएगा। करते हैं, ये टेप खोलना भी ना बहुत ही मगज मारी है, मतलब कि जिसका नखून बड़ा रहेगा ना उसको टेप खोलने में आसानी है, जिसका नखून मेरे से छोटा रहता है तो उसको टेप खोलने की बहुत ही मगज मारी होती है। देखो इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि इसका साइज जो बड़ा हो जाएगा और इसके अंदर अच्छी तरह से फिट हो जाएगा, और क्या होगा
और ये इसे काट देंगे थोड़ा। तो हो गया ये रेडी। तो अब देखते कि काम करेगा या नहीं। सो यहाँ हो गया। अभी देखो इसका मूवमेंट बहुत टाइट हो गया, तो अभी मुझे ये भी टाइट कराना है। देखिए कुछ 3-4 महीने हो गए और इसे बहुत रफ यूज़ किए। जुगाड़ से हमारा ट्राईपॉड चल रहा है, तब तक चलाऊंगा और जब तक ये मतलब एक जुगाड़ भी ख़त्म हो जाए और ट्राईपॉड में जान भी नहीं रहे तब मैं इसे रिप्लेस कर दूँगा और एक नया लूँगा। तो इसे भी कर दिया स्क्रू से टाइट। तो अब हम डालेंगे इसके अंदर। हाँ अरे यार ये अभी भी निकल रहा है, मतलब कि मैंने इस पर टेप लगाया थोड़ा इसकी साइज बढ़ाने के लिए, बस अटक जाता है। उसके बाद जब आप इस तरह से कभी कभी करते रहे तो निकल जाता है। सो यार जब कुछ समझ नहीं आ रहा है, अभी ऐसा लग रहा है कि इसे फेंक दो, इतना गुस्सा आ रहा है। तो आप लोग ने अभी देखा वो ना मैंने अपने जुगाड़ से शूट किया, वो मैं आपको बता दूँ। देखो डब्बे के ऊपर डब्बा, उसके ऊपर और एक डब्बा, उसके ऊपर ये घड़ी, और मैंने रखा था फोन इस तरह से, मतलब कुछ इस तरह से मेरा अभी काम चल रहा है। और ये तो खराब हो गया यार, मूड ऑफ हो चुका है पूरा। अभी देखता हूँ कुछ कोशिश करता हूँ, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो। तो बॉस ट्राईपॉड हो चुका है ठीक, और उसी ट्राईपॉड से मैंने एक खतरनाक वाला टाइमलैप्स लिया है बॉस, बहुत ही बढ़िया। अभी तक का मेरा ये बेस्ट टाइमलैप्स है। मैंने मतलब बहुत सारे टाइमलैप्स लिए बट अभी तक का ये मेरा बेस्ट टाइमलैप्स है। और ये क्यों बेस्ट है, इसका मेन रीज़न है कि एंगल, जो एंगल से मैंने शूट किया था उस एंगल से मैं ना दो लेयर वाले क्लाउड इस टाइमलैप्स में नजर आए, मतलब ऊपर से भी क्लाउड आ रहा है और नीचे से भी मतलब मैं मुझे एक्सप्लेन करने को नहीं जम रहा है। आप एक बार वो टाइमलेस देख लो, आपको समझ आ जाएगी कि मुझे क्या बोलने का है। तो क्या बोलती है पब्लिक, कैसा लगा ये टाइमलेस? फुल खतरनाक, फुल फाड़ू ना, मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा था। मतलब कि मैंने अपने रिक्स पर ये टाइमलेस रखा था और रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आया है। बट थोड़ा डर लगा था क्योंकि मैं यहाँ पे रखा था और अगर कुछ गड़बड़ होती तो सीधा नीचे जाता था, अंदर गिरता था फोन बच जाता था, बट बाहर गिरता था तो फोन नहीं बचता था। क्योंकि समझ गया ना मुझे क्या बोलना है। फाइनली इंडिया ने 59 ऐप्स जो चाइना के थे वो सब अब बैन कर दिए। फर्स्ट नाम पे था टिकटॉक, टिकटॉक भी बैन हो चुका है, मतलब कि प्ले स्टोर से टिकटॉक बैन हो चुका है और बाकी जो भी ऐप से प्ले स्टोर से बैन होना बाकी है। और अगर आपको पता करना है कि आपके फ़ोन में ये सब ऐप्स है क्या नहीं है, तो एक ऐप है रिप्लेस इट, वो ऐप डाउनलोड कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे आता है स्कैन नॉन इंडियन ऐप्स, उसको स्कैन करने के बाद कुछ इस तरह का प्रोसेसर चालू हो जाएगा। और ये कंप्लीट हो जाने के बाद इस तरह का एक आपको आएगा ग्रेट जाएगा, ग्रेट यू हैव डेटेड, यू हैव सक्सेसफुली रिप्लेस नॉन इंडियन ऐप्स विद इंडियन ऐप्स, मतलब कि आपके पास एक भी नॉन इंडियन ऐप्स नहीं है। तो ये आपको बताएगा अगर आपके पास नॉन इंडियन ऐप रहेगा, यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी और आप उस ऐप को अनइंस्टॉल कर देना। और मुझे भी पता है कि बहुत सारे लोग शेयरिट डिलीटिंग करेंगे क्योंकि शेयरिट यूज़ करते फोटो शेयर करने के लिए, वीडियो शेयर करने के लिए, तो शेयर ऑल करके उसका भी रिप्लेसमेंट आ चुका है। तो प्लीज़ प्ले स्टोर पर जाके शेयर ऑल ऐप डाउनलोड कीजिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे डालता हूँ और रिप्लेस इट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे डालता हूँ कि आपको आसानी हो। मुझे भी नहीं पता था, मुझे अपने दोस्तों के थ्रू पता चला, तो मैं चाहता हूँ कि आपको भी पता चले और आप आगे शेयर करो इस न्यूज़ को। टिकटॉक बैन हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आएगा डिसलाइक कीजिए, आपकी मर्जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आज के बस इतना रहता वीडियो साढ़े दस आप तो पहले बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी बिकॉज टिकटॉक ऐप हैज बीन डिलीटेड। एक कहानी मुझे सब को बतानी है, थोड़ी सी नई और थोड़ी सी पुरानी।